हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एट way2testing.com एंड माय नेम इज चंदन। और मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं एक आईटी फर्म में जॉब करता हूँ और मैंने बीटेक किया हुआ है। सो इन दिस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सीखते हैं। मैंने देखा है आजकल बहुत से लोग हॉलीवुड मूवीज को फॉलो करते हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आपको इंग्लिश तो आ जाएगी लेकिन आपकी ग्रामर मिस्टेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्लस आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप कभी एक अच्छे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे और ना ही आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम में सक्सेस हो पाएंगे। तो इंग्लिश स्पीकिंग एक ज़रूरी चीज़ है और एक बहुत ही आसान तरीका है, यदि इसको सही तरीके से किया जाए तो। और ये आजकल की डेट में मैंडेटरी हो गया, मतलब कि अनिवार्य हो गया है। सो इंग्लिश स्पीकिंग सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है टेंस, एक होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इससे इंग्लिश स्पीकिंग के ट्यूटोरियल को मैं कल 5 पार्ट में बनाऊंगा और 5 पार्ट इतने इनफ होंगे कि उससे आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख जाएंगे, इंटरव्यू भी क्रैक कर सकेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ों पर हेल्प मिलेगी। और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो और आप जा सकते हैं, गूगल कर सकते हैं या किसी अदर चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये मटेरियल इतने इनफ होंगे कि आपका उसमें टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं शुरुआत से। पहले वीडियो में मैं आपको टेंस बताऊंगा, दूसरे वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस, तीसरे वीडियो में डायरेक्ट बताऊंगा, चौथे और पाँचवें वीडियो में मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी किसी एग्जाम या इंटरव्यू के लिए। तो शुरू करते हैं पहला ट्यूटोरियल जो कि टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये मेरी वेबसाइट है www.way2testing.com, मेरे YouTube के चैनल का नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टफ, और प्लेलिस्ट जो मैं बनाऊंगा इस चैनल के अंदर वो इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटोरियल्स की होगी। इसके अंदर 5 या 6 वीडियो होंगे जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटोरियल मिल जाएगा। सो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कभी भी किसी से बातें करेंगे तो हम उससे केवल 3 चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं या 3 बारे में बात कर सकते हैं। पहली चीज़ होगी, या तो हम उससे वर्तमान के बारे में बात कर रहे होंगे जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं, या तो फिर उससे हम पास्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, या तो फिर हम उससे फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होंगे। ये 3 चीज़ें ही होती हैं। यदि आपको चौथी पता है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 3 तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसमें 4 तरीके की चीज़ें और हो सकती हैं। पहली हो सकती है कि आप बिल्कुल सिंपल बात करें, या हो सकता है आप कोई कॉन्टीन्यूअस चीज़ पे बात कर रहे हों, या हो सकता है किसी परफेक्ट चीज़ पे बात कर रहे हों, या तो फिर हो सकता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो। तो इनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। ये फॉर्म मैंने एक ही चार्ट में इसलिए बना दिया ताकि आप ईजिली इसे एक चार्ट में याद कर सकें। जैसे कि जब सब सिंपल टेंस की बात होगी तो इसमें डू डज का यूज होगा, फिर डिड का यूज होगा, विल शैल का यूज होगा। इस वाली टेबल को आपको पूरी तरीके से याद कर लेना है या प्रैक्टिस करते करते ये आपको याद हो जाएगी। इस टेबल को बनाने का मकसद यही था कि एक बार देखने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सारी चीज़ें। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो हम बात करते हैं, यदि कोई प्रेजेंट टेंस है तो वहाँ पर ता है, ती है, ते है का इस्तेमाल होता है और हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बात देता हूँ कि मैं रोज पढ़ता हूँ तो मैं इसे लिखूंगा आई रीड एवरी डे। मैं ये काम रोज करता हूँ, मतलब कि लास्ट में आ रहा है ता है, ते है, ती है, इस टाइप में। तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनेगा, जैसे कि आई रीड एवरी डे, या मैं ये काम करता हूँ तो आई डू दिस टास्क, इस टाइप में। कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब जो चीज लगातार चल रही है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं रोज पढ़ रहा हूँ, या मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वर्क आएगा यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म पे आगे आईएनजी लगेगा। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, मैं रोज पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग एवरी डे, मतलब मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज किया, उसके आगे आईएनजी लगाई और आगे एवरी डे लिख दिया। अब मैं प्रेजेंट में ही रहता हूँ, मैंने कहा कि परफेक्ट टेंस के बारे में बताइए। परफेक्ट टेंस मतलब जैसे कि वो कह रहा परफेक्ट है, मतलब ये काम हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस टाइप में। मतलब कि मैं जस्ट अभी जो खत्म हुआ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं पढ़ चुका हूँ तो आई हैव रीड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन माई फूड। तो इस तरीके से होगा।
इसके बाद आता है लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब कि हम वर्तमान में ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं भी है, लेकिन हम समय के साथ इस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं जब 5 साल का था तब से मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आई हैव बीन रीडिंग। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको हैव बीन का यूज करना पड़ेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस। और यहाँ पर हम लोगों को एक मेन चीज आती है कि हमें सिंस और फॉर का यूज करते हैं जब थोड़ी सी सियोरिटी हो जहाँ पे टाइम की, जैसे कि मैं 5 साल का था या 1995 या 2015, इस टाइप में जहाँ सियोरिटी हो टाइम की वहाँ हम सिंस का यूज करेंगे, जहाँ सियोरिटी ना हो वहाँ हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर का भी एग्जाम्पल मैंने दिया है, मैं भी बताऊंगा आपको। तो ये हो गया हमारे प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब आते हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस का मतलब जैसे हम जानते हैं भूतकाल की बात, जो काम अभी भी खत्म हुआ है, जैसे कि मैंने किया, वो गया, ऐसा हुआ, इस टाइप में जब बात होगी तो हम बोलेंगे ये पास्ट सिंपल टेंस है। यही एक ऐसा टेंस है जहां आपको सेकंड फॉर्म की यूज करना होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, मैंने ये काम किया, मीन्स आई डिड दिस जॉब और वर्क, आई डिड दिस वर्क। तो इस तरीके से होगा। अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। जैसे मैंने बोला पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारी वॉज वर्ब का यूज होगा यहाँ पर इस वाली टेबल में। तो फिर मैंने, और इसका मतलब जो वर्ड फिनिश होगा, खत्म होगा, वो खत्म होगा रहा था, रही थी, रहे थे। इसका मतलब क्या होगा कि आपने कहा कि मैं ये काम कर रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं वहां जा रहा था, इस टाइप में जब वाक्य होंगे जो कि है तो पास्ट के लेकिन कॉन्टिन्यूअस है, लगातार हो रहे हैं, तो इसमें हम बोलेंगे जैसे वॉज वर्ब का यूज करेंगे और आई एन जी का यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो आई वॉज डूइंग दिस वर्क। ठीक, इसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो इसमें एक वर्ब होती है हैड, इसका हम यूज करते हैं, जो कि जैसा मैंने बोला परफेक्ट, जहां वो चीज परफेक्टली खत्म हो चुकी है उसे बोलेंगे, जैसे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, मैं काम कर चुका था, ये हो चुका था, ऐसे वर्ड जब यहाँ पर आएंगे वहां हम बोलेंगे, जैसे कि मैं ये काम कर चुका था, आई हैव डन दिस वर्क। इसके बाद फिर वही बात आती है जैसे कि हमने इसे प्रेजेंट में पढ़ा था, जब हम परफेक्ट टेंस को समय के साथ लाते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो वैसे ही पास्ट में भी होता है, जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को लगातार समय के साथ लाते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। जैसे कि 2 साल पहले मैं ये काम कर चुका था, तो यहाँ तो समय आया और ये मैं ये काम कर चुका था, चुकी थी, ये आया, तो इसका मतलब ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कर चुका था बिफोर 2 ईयर, 2 साल पहले। ये बात हो गई हमारे वर्तमान और भूत की। और जब मैं बात करूंगा भविष्य की, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी यही चारों चीजें फिर से फॉलो होंगी, सिंपल होगा, या लगातार किसी बारे में बात हो रही होगी, या कुछ परफेक्ट के बारे में बात हो रही होगी, या परफेक्ट के साथ समय के बारे में बात हो रही होगी। तो जैसे कि, और ये वर्ड हमेशा खत्म होंगे, फ्यूचर जो सेंटेंस या फ्यूचर जो वाक्य होंगे वो खत्म होंगे गा और गी से इस टाइप में, जैसे कि मैं जाऊंगा, वो आएगी, हम पढ़ेंगे, हम खेलेंगे, इस टाइप में। तो यदि मैं पहले बारे में पढ़ूं इसको, मैंने इसे एग्जांपल दिया है, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। तो यहाँ हम विल और शैल का यूज करते हैं और इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब मैं लिखता हूँ, अब मैंने बोला इसमें रहा होगा, रही होगी, इस टाइप में होंगे, तो मतलब हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। जैसे कि एग्जांपल देखें, मैंने बोला मैं पढ़ रहा होऊंगा या वह जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग। आगे आते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब कि फ्यूचर में जो काम हो चुका होगा उसे हम बोलेंगे, उसे बोलेंगे ये चुका होगा, चुके होंगे, इस तरह से वाक खत्म होंगे। और ऑलवेज याद रखिए, परफेक्ट टेंस किसी का भी हो हम थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। सो वह जा चुका होगा, सो हम इसको कैसे लिखेंगे, ही विल हैव गॉन। और इसकी वर्ब्स क्या होती हैं, इसकी होती है विल हैव, शैल हैव। फिर इसी बात बात करते, जब हम इसमें समय भी लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
जैसे कि मैंने बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया है, 3 दिनों से बारिश हो रही होगी, मैंने प्रेडिक्शन किया कहीं पे किसी जगह के बारे में, जैसे मुंबई में 3 दिनों से बारिश हो रही होगी, तो इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 3 ईयर 3 डेज। 3 दिन मैंने फॉर इसलिए यूज किया क्योंकि वो 3 दिन श्योर नहीं, मंडे है ट्यूसडे है कब के हैं कितने दिनों से पहले के हैं, जहाँ सियोरिटी टाइम की नहीं होती है वहाँ हम फॉर का यूज करते हैं। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रो टेंस के बारे में, आपको बस ये वर्ब्स को याद रखना है, डू डज इज एम आर हैज हैव ये, इसके साथ आपको काम करना है। अब जैसे कि मैंने बोला आपसे कि आपको लिखना है कि मैं खाना खाता हूँ, जैसे मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ आई, या ऐसे लिखो मैं वेज खाता हूँ आई ईट वेज ओनली। ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसको लिखते हैं कि मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ऐसा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एग्जांपल पास्ट टेंस का कि वो गया, ही सेकंड फॉर्म आएगी वेंट, जाने के होता है गो, तो गो का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म गो वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। जब भी पास्ट सिंपल टेंस की बात होगी तो हम उसकी सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी। तो ये एक ब्रीफ इंट्रो था टेंस के बारे में जो मैंने बताया आपको, आपको ये चीज़ हमेशा रिमेंबर रखनी होगी। ये पहला चैप्टर था, इसके बाद हम एक्टिव पैसिव आए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बाद जब आप ये पाँचों ट्यूटोरियल पढ़ लेंगे मेरे, या इनको जब सुन लेंगे या देख लेंगे, इसके बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, यू कैन टॉक इन इंग्लिश एंड विद वेरी गुड कॉन्फिडेंस लेवल, यू कैन टॉक टू इन इंग्लिश विद एनीबॉडी एंड आल्सो आई विल इंप्रूव योर एसेंट। मैं आपके एसेंट भी सुधारूंगा, एसेंट मतलब कि जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कि मैं लिखूँ डी ए टी ए, ये है डाटा यदि पढ़ा जाए तो, लेकिन हम इसको एसेंट में बोलेंगे डेटा। तो इस तरह की चीज़ें जो होंगी जो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊँगा। तो अभी के लिए थैंक्स दोस्तों, इस वेब पेज का यूआरएल मैं इस वीडियो में लिंक कर दूंगा, इसको एक बार आप जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।